फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनीता और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सुनीताज लाइफस्टाइल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही थी नान, और वो भी तवे पर। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊंगी कि आप अपने घर पे तवे पर भी नान बना के अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हमें नान बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये ली है मैंने मैदा। मैदा मैंने लिया 250 ग्राम। ये लिया है मैंने रिफाइंड ऑयल 1 चम्मच। ये है खाने वाला सोडा 1/2 चम्मच। ये लिया मैंने चीनी 1 चम्मच। ये लिया मैंने नमक 1/2 चम्मच। ये है धनिया कटा हुआ बारीक थोड़ा सा। और ये लिया मैंने 1 कटोरी दही, फ्रेश दही है ये। और मैंने लिया है गुनगुना पानी। तो फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे पहले डो मैदा का। तो अब इसमें हम डालेंगे पहले चीनी, अब डालेंगे नमक, अब डालेंगे खाने वाला सोडा, अब डालेंगे रिफाइंड ऑयल। फ्रेंड्स, अब मैं डालूंगी दही। तो फ्रेंड्स, दही मैंने 4 चम्मच डाला है। अब फ्रेंड्स, मैं सॉफ्ट हाथों से इसको गूंथ लूंगी। अब फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा मैं पानी लेकर अच्छी तरह इसका डो, सॉफ्ट डो बनाऊंगी और अच्छी तरह गूंथ लूंगी। तो फ्रेंड्स, मैदा लग गई है। अब हम थोड़ा सा हाथों में तेल लेके मैदे को अच्छी तरह सा और अच्छे से ऐसे गूंथ लेंगे। तो हमारा डो बनके तैयार हो गया। फ्रेंड्स, देखिए कितना सॉफ्ट बना है। अब इसको हम ढक कर, एक प्लेट से ढक कर 2 घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। तो फ्रेंड्स, 2 घंटे अब मैं इसको रेस्ट करने दूंगी, तब हम नान बनाएंगे। तो 2 घंटे हो चुके हैं, अब हम अपना डो देखते हैं कि 2 घंटे बाद हमारा डो कैसा हो। तो आप लोग फ्रेंड्स देख सकते हो हमारा 2 घंटे बाद हमारा डो फूल गया है, कितना फूल गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम एक लेंगे तवा। पहले करेंगे हम गैस ऑन, और ये मैंने रखा तवा। अब इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं हाथ में मैंने रिफाइंड ऑयल लगा लिया है। अब मैं इसके थोड़े से छोटे छोटे पेड़े तोड़ूंगी, आप लोग देखिए। ये मैंने ऐसे एक पेड़ा बना लिया है, ऐसे ही हम 3-4 पेड़े तैयार कर लेंगे बनाकर। तो फ्रेंड्स, मैंने ये 4 पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ नान हमें कैसे बनानी है। फ्रेंड्स, ये पेड़ा मैंने लिया है। अब मैं इसमें सूखा आटा लगा लूँगी और इसको चक्रे पे लग के अच्छी तरह बेलूंगी। आप चाहें तो गोल भी बेल सकते हैं और आप चाहें तो लंबा भी बेल सकते हैं। तो मैं नान को थोड़ा सा लंबा बेलूंगी। आपको सूखा आटा लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये लंबा बेल लिया है। अब मैं थोड़ा सा धनिया इस पर भुरक लूंगी, जिससे बहुत अच्छा नान हमारा बहुत अच्छा लगता है देखने में भी। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे एक बार पलट लूँगी और अच्छे से बेल दूँगी। अब फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा तवा गर्म हो गया है, अब मैं एक साइड नान के एक साइड में पानी लगाऊँगी ऐसे करके। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि पानी लगा लिया, एक साइड हमें पानी लगाना है। अब मैं इसको ऐसे करके आराम से उठाऊंगी और तवे पर पानी वाली साइड से ऐसे तवे पर चिपका दूंगी हल्के से। तो फ्रेंड्स, ये मैंने चिपका दिया। अब हम तवा ऐसे पकड़ेंगे, हैंडल वाला मेरा तवा है, आप हैंडल वाला तवा यूज़ कर सकते हैं। और उसको ऐसे करके थोड़ा थोड़ा पलट लेंगे तवा, और नीचे से अच्छी तरह देखेंगे कि हमारा नान सिक रहे हैं कि नहीं। फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे पलट पलट के हमको नान सेकना है। धीमी आंच पे ऐसे पलट पलट के हमें सेकना है नान, और हमें देखते रहना है कि कहाँ से हमारा नान नहीं सिका, और अच्छी तरह हमें थोड़ा थोड़ा कम गैस पर सेक लेना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा नान सिक गया है, आप लोग देख सकते हो। अब मैं वापस से तवा सीधा कर लूँगी। तो
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारा नान कितना अच्छा सिका है। अब मैं इसको नीचे से ऐसे हटाऊंगी और ये आराम से हट रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हट रहा। और फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो जो कि नान है वो ऊपर से तो सिकी गया है, ऊपर से तो सिकी गया है हमारा नान। और आप पीछे से भी देख सकते हो, पीछे से भी हमारा नान कितना अच्छा सिक गया है। और इसको थोड़ा सा हम और रख देंगे सिकने के लिए। तो फ्रेंड्स ये नान हमारा सिक गया है, कितना अच्छा आप लोग देख सकते हो, पीछे से भी कितना अच्छा सिका है। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे और गैस हमने कम की हुई है। अब इसके ऊपर हम मक्खन लगाएंगे। आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं, तो मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा सा घी मक्खन बटर नान पर लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा हमारा नान बन गया है, वो भी तवे पर। तो मैंने मक्खन लगा दिया है, ऐसे ही हम बाकी नान और तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे तो नान बनके तैयार हैं, आप देख सकते हो कितने अच्छे मेरे नान बने हैं। आप भी अपने घर पे ज़रूर बनाइए और किसी भी सब्जी के साथ आप परोस सकते हो नान को। और ऐसे ही मैंने इतने सारे अच्छे से बना लिए, आप भी बनाइए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मेरी आज की अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सुनीतास लाइफस्टाइल ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ अपने घर में बनाते रहिए। और फ्रेंड्स मेरा जो दूसरा चैनल है भजन संगीत, उसको भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।